दोस्तों, हिंदी फिल्मों में जब हम पॉपुलर जोड़ियों की बात करते हैं तब हम ज्यादातर अमिताभ बच्चन रेखा, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, राजेश खन्ना मुमताज या फिर शाहरुख खान काजोल की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसी जोड़ी भी थी जिनकी फिल्में सिर्फ हिट ही नहीं हुए बल्कि उनकी फिल्मों ने हिंदी फिल्म का इतिहास ही बदल दिया। वो जोड़ी थी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की। इनके साथ में पहली फिल्म थी शक्ति सामंता की आराधना। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को दो सुपरस्टार दिए, एक थे राजेश खन्ना और दूसरे थे प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार। आराधना एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और इस फिल्म ने शर्मिला टैगोर को उनका फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिलवाया। इस जोड़ी के और हिट फिल्में थे छोटी बहू, यश चोपड़ा की फिल्म दाग, असित सेन की फिल्म सफर, शक्ति सामंता की करियर की बेस्ट फिल्म अमर प्रेम और बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार। इसके अलावा इस जोड़ी ने और भी फिल्म किए जैसे कि राजा रानी, मालिक और बदनाम फरिश्ते, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। यहाँ शक्ति सामंता की फिल्म अमर प्रेम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अमर प्रेम कहानी थी एक प्रोस्टिट्यूट पुष्पा और उसके नेबरहुड में रहने वाले एक बच्चा नंदू के एफेक्शन के बारे में। ये बेहतरीन फिल्म शर्मिला टैगोर के इर्द गिर्द ही घूमती है और राजेश खन्ना का इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन उनका डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स बहुत पॉपुलर हो गया। अमर प्रेम में आर डी बर्मन ने अपना करियर बेस्ट म्यूजिक दिया था और इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं और मेरे लिए इस जोड़ी की ये सबसे बेहतरीन फिल्म थी। इस जोड़ी की और एक उम्दा फिल्म थी असित सेन की सफर, जिसमें शर्मिला टैगोर एक डॉक्टर का रोल करते हैं जिनको राजेश खन्ना से प्यार हो जाता है जो कि एक पेंटर है। राजेश खन्ना कैंसर से जूझ रहे हैं लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद शर्मिला टैगोर उन्हें बचा नहीं पाते। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दोनों ने ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म में कल्याण जी आनंद जी के सुर में सजे किशोर कुमार के गाने जीवन से भरी तेरी आंखें, जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर यादगार है। राजेश खन्ना अपने स्टारडम के पीक पे थे तब उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार की थी जो कि कमर्शियल फिल्म कम और आर्ट फिल्म ज्यादा थी। ये फिल्म बाकी कमर्शियल फिल्म से बहुत ही हटके थी और इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर एक झगड़ते हुए कपल का रोल करते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी और इस फिल्म ने राजेश खन्ना को उनका फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिलवाया। और करने वाली बात यह है कि आराधना के अलावा इस जोड़ी ने बाकी जितने भी फिल्में किए उस टाइम में राजेश खन्ना ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन इन सब फिल्मों में या तो मेन कैरेक्टर शर्मिला टैगोर का होता था या फिर उनका रोल राजेश खन्ना के रोल के बराबर होता था। इसके अलावा इस जोड़ी ने यश राज प्रोडक्शंस की पहली फिल्म यश चोपड़ा डायरेक्टेड और गुलशन नंदा की बुक मैली चांदनी पर आधारित फिल्म दाग में भी काम किया था। इस जोड़ी के फिल्मों की स्क्रिप्ट, म्यूजिक और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती थी जिसकी वजह से आज भी ये फिल्में अपीलिंग हैं। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ में लास्ट फिल्म थी 1977 में रिलीज्ड फिल्म त्याग, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसके बाद इन दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया।